हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग घड़ी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट के साथ ट्रिक से हल करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो आपको समय की बचत होती है। घड़ी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सेकंडों में हल कर पाएंगे। कंपटीटिव एग्जाम में जैसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं घड़ी के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि घड़ी क्या है। तो घड़ी समय मापने का यंत्र है। घड़ी जो होता है समय मापने का यंत्र होता है। घड़ी को घंटे, मिनट तथा सेकंड में मापा जाता है। यानी घड़ी में तीन सुइयां होती हैं, यानी घंटे की, मिनट की और सेकंड की होती है। घड़ी में सामान्यतः तीन सुइयां लगी होती हैं, घंटे, मिनट तथा सेकंड की सुई। घड़ी के बाह्य भाग जिस पर अंक लिखे होते हैं, जो घड़ी का जो ये बाह्य भाग होता है जिस पर अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक, इसको हम लोग डायल कहते हैं। तो घड़ी में मुख्य रूप से चार चीज़ें होती हैं। पहला डायल होता है, दूसरा घंटे की सुई होता है, तीसरा मिनट की सुई होता है, चौथा सेकेंड की सुई होता है। मैं दोस्तों आपसे बता देता हूँ कि यूट्यूब पर कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको बेसिक इतना बेसिक से पढ़ाएगा। मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से आप सेकंडों में हल करेंगे, लेकिन मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि ये 0 लेवल से एडवांस लेवल यहां पर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि घड़ी में हम जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घड़ी में सामान्यतः देखा जाए तो 10 टाइप के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप होता है कोण से संबंधित पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं कि कोण पर डिस्कस थोड़ा करते हैं कि घड़ी में कितने अंश का कोण बनता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि एक बिंदु पर, अगर एक बिंदु से केंद्र मानकर अगर एक वृत्त बनाया जाए तो इस केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो सब लोग जानते होंगे। तो हम लोग जानेंगे कि एक मिनट में सेकेंड की सुई द्वारा जो बनाया गया कोण होता है कितने डिग्री का होता है। यानी कहने का मतलब जो सेकेंड की सुई होती है अगर एक राउंड पूरा घूम लिया जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेकेंड की सुई है अगर इस तरह से घूमेगी, अगर फिर से अपने स्थान पर आ जाती है तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। सभी लोग जानते होंगे। चलिए मिनट की सुई को जानते हैं। तो एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बनेगा। यानी सेकेंड की सुई जब एक राउंड पूरा करती है तो मिनट की जो सुई होती है कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो इसी तरह जानते हैं कि 6 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन ये 6 डिग्री आया कैसे है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे मिनट पर ही आधारित क्वेश्चन होते हैं घड़ी से संबंधित, इसीलिए हम लोग मिनट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं 6 डिग्री कैसे आया है। तो मान लीजिए कि ये जो पूरा जो गोला हमारा जो वृत्त है ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। तो हम लोग लिख देंगे 360 डिग्री का होता है। चलिए हम लोग डिस्कस करें। तो जो हमारा जो जो केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। और जो ये 1 से लेकर कितने घंटे होते हैं, तो 12 घंटे। हम लोग क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे। तो हम लिख लेंगे 12 36 और 0 लग देंगे 30 अंश। ये जो 30 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ के जो बीच का जो डिफरेंट होता है ये 30 डिग्री का होता है। इतना ही जो डिफरेंट होता है यानी 2 से लेकर 3 तक के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। और आप लोग जानते होंगे कि 12 से और 1 के बीच में 5 बिंदु लगे होते हैं। तो इस 30 में हम 5 से अगर भाग दे देंगे, इस 30 में अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 6 डिग्री आता है। तो वही हमारा क्या है, 6 डिग्री आता है। यानी 1 मिनट के बीच का जो डिफरेंट होता है मिनट के सुई का वो कितना होता है, 6 अंश के कोण के बराबर होता है। तो इसी प्रकार हम घंटे का भी निकाल लेते हैं। अगर सेकंड की सुई अगर पूरे राउंड पूरा कर लेती है तो घंटे की सुई द्वारा जो बनाया गया कोण होता है, घंटे की सुई है वो अपने स्थान से क्या 1/2 अंश ही क्या करती है, घूमती है। तो कैसे 1/2 अंश घूमती है इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो मैंने जाना कि 360 डिग्री पूरा होता है, 360 डिग्री हो जाता है। और जानेंगे 1 से लेकर 12 तक 12 घंटे हो जाएंगे। इस 12 घंटे को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे। और अब इसको काट देंगे तो 12 3 36 32 60 यानी 1/2
दो अंश। तो वही जो घंटे की जो सुई होती है एक मिनट में 1/2 अंश क्या करती है, कोण बनाती है। तो हम लोग कोण के बारे में जान गए कि एक मिनट में जो सेकंड की सुई होती है 360 डिग्री बनाती है, यानी कहने का मतलब जो सेकंड की सुई होती है एक मिनट में ये पूरा राउंड लगा लेती है, 360 डिग्री घूम जाती है। उसी प्रकार मिनट की सुई एक मिनट में, जो मिनट की सुई होती है अगर एक राउंड ये लगाएगा तो मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यानी क्या 6 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी प्रकार घंटे की जो सुई होती है अगर सेकंड की सुई अगर पूरा राउंड लगा लेती है तो घंटे की जो सुई होती है 1/2 अंश चलती है। तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से अब सवाल को हल करेंगे, और ट्रिक क्या है हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कोण को ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो ये एक ट्रिक होता है h1 × 60 − 11 × μ = 2, एक कोण होता है। ये हमारा क्या होता है, ये कोण को दर्शाता है। थीटा हमारा क्या दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। h1 जो होता है घंटे को दर्शाता है, और जो m हमारा होता है मिनट को। इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर लेंगे। ये जो ट्रिक है वो किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ट्रिक को हमने ही बनाया है, क्योंकि अध्ययन करके इस ट्रिक को बनाया गया है। आप देखेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी घड़ी से संबंधित कोण वाला क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। UPSI, रेलवे, बैंक, फोर्स, CGL, BEd इंट्रेंस टेस्ट आदि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घड़ी को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को, तो फ्रेंड घड़ी में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो 7:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 7:20 पर जो घंटे और मिनट की सुइयों के जो बीच में जो एक कोण बनेगा कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, उसके बाद से बेसिक कंसेप्ट से हल करेंगे। तो चलिए यश जो दिया है 7:20 दिया है, तो यश क्या है हमारा घंटा है। तो यहाँ लिख देंगे 7 × 60 है तो 60, माइनस है तो माइनस, ये 11 है, 1 मिनट हमारा दिया है 20/2 दिया है, 7×6 = 42, 420 माइनस 11×2 = 22, 220/2 हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 200/2, काट देंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री। यानी 7:20 पर जो कोण बनेगा 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग कितना जल्दी ट्रिक के माध्यम से हल कर लिए, लेकिन हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे क्योंकि परीक्षा में तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि किस तरह से निकालेंगे 100 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मिनट के सुई के बारे में। हमने पीछे बता दिया है मिनट जो होता है एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, जो मिनट की सुई होती है एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जो घंटे की सुई होती है एक मिनट में, घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाती है, तो 1/2 अंश का कोण बनाती है। ये दोनों चीज़ जानना पड़ेगा, इसीलिए दोनों चीज़ से आपका बेसिक मेथड से 100 डिग्री हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है, तो हम जानते हैं कि 12 और 1 के बीच में कितना 30 डिग्री का कोण होता है, 1 और 2 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है, 2 और 3 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। कैसे आया तो हमने बताया है कि ये जो पूरे जो होता है 360 होता है डिग्री होता है, जो केंद्र बिंदु पर जो कोण बनता है 360 डिग्री होता है, और 1 से लेकर 12 तक जो होता है घंटे होते हैं तो हमने भाग दे दिया है तो 30 आया है, यही 30 डिग्री हमने बांट दिया है। तो पता होना चाहिए। तो इसी तरह हम निकालेंगे 7:20 में देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, यानी 30, 30, 60, 30, 90, यानी 4 और 7 के जो बीच में है 90 डिग्री का हमारा कोण पता चल गया है। लेकिन थोड़ा सा 90 डिग्री से भी थोड़ा सा अधिक कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये 7 से सुई क्या हो गई है, घंटे की जो सुई हो गई आगे चली गई है। तो हमने तो 7 से 4 बजे के बीच में निकाला है तो 90 आया है, लेकिन 7 से आगे चली गई है घंटे की सुई, तो थोड़ा सा कोण क्या होगा 90 से अधिक बनेगा। तो इसके लिए अब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो घंटे की सुई कितना आगे बढ़ी है,
20 मिनट आगे बढ़ी है, क्योंकि मिनट की सुई यहाँ से आई है 20 मिनट, घंटे की सुई भी 20 मिनट आगे बढ़ी है। तो घंटे की सुई कितना अंश बनाई है हम ये देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं घंटे की जो सुई होती है 1 मिनट में 1/2 अंश बनाती है 1 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना अंश बनाएगी, तो गुणा कर देंगे तो काट देंगे तो 10 बार में, यानी 7 से कितना गई है 10 अंश आगे गई है। तो यहाँ से 4 और 7 से जो के बीच में जो कोण है 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से यहाँ तो 90 डिग्री का कोण हो गया, अब प्लस 10 ये हो जाएगा, तो हम लोग जोड़ देंगे तो 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। जो आपका आंसर यहाँ भी आया था, ट्रिक के माध्यम से भी आया है और यहाँ बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से आया है। चलिए एक बार हम मैं फिर से बता देता हूँ कि जो केंद्र बिंदु का जो कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, और 1 से लेकर 12 तक जो होता है घंटे होता है, तो हमने 360 में 12 से भाग दे दिया है तो 30 डिग्री का निकला है, यानी 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, 1 और 2 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, 2 और 3 में 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो उसी प्रकार आगे भी बनता रहेगा। तो हमने जो टाइम दिया था 7:20 दिया था, तो यहाँ हमने टाइम को प्रदर्शित कर लिया है, तो 4 और 7 का जो टाइम है 30-30 जोड़ेंगे तो 30 यहाँ बनेगा 30 यहाँ बनेगा 30 यहाँ बनेगा, तो 30-30-30 यानी 90 बन गया। और जो घंटे की सुई है 7 से थोड़ा आगे चली गई है, तो कितना आगे गई है इसके निकालने के लिए हम लोग इसका इसके माध्यम से निकालेंगे, क्योंकि घंटे की सुई हम जानते हैं कि 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है, तो मिनट 1/2 अंश चलती है, तो घंटे की सुई कितना आगे गई है, तो 20 मिनट आगे गई है, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक जो मिनट की सुई बढ़ेगी तो घंटे की सुई भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी, तो इसीलिए इसको निकालने के लिए 1/2 में हमने 20 से गुणा कर दिया, ये 20 हमारा मिनट है, तो हम 10 अंश आगे बढ़ी, यानी 7 से घंटे की सुई 10 अंश आगे बढ़ी है, तो 90 तो ये हो गया और 10 और हो गया, यानी 100 डिग्री हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम इसी पर लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग लगाइए इसी पर।